स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रह रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से फोन कर बातें की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विद्यार्थियों को दिया सुरक्षा का भरोसा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विवाद के कारण किर्गिस्तान में अशांति की स्थिति निर्मित हुई है। बातचीत में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री यादव को बताया कि सभी विद्यार्थी हॉस्टल में रह रहे हैं और वहां उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने रोहित पांचवाल, रवि सराठे और विवेक शर्मा से बात की, उनसे अन्य विद्यार्थियों के हालचाल भी पूछे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि शीघ्र ही उनकी परीक्षा होने वाली है। वे सभी परीक्षा में शामिल हो, इसके बाद 2.5 महीने का अवकाश रहेगा, उन्हें घर बुलवा लेंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर वह मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन से बात कर सकते हैं, राज्य सरकार को भी सूचना दे सकते हैं, इस पर तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश से 1200 और पूरे देश से लगभग 30,000 विद्यार्थी किर्गिस्तान में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। क्या स्थिति है? ठीक है सर, स्थिति तो अभी मतलब अंदर या हॉस्टल में इसी ने ठीक है सर। हमने सब बाहर तो बात कर ली है, मूल झगड़ा तो पाकिस्तान वालों के साथ है ना, वो उनका। हाँ सर, पर वो देख नहीं रहे कि कोई भी हो, सबको परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी हमने बात कर ली है और ये मालूम पड़ा है कि ये आप लोगों की परीक्षा है तुरंत अभी थोड़े दिन में। परीक्षा के बाद 2.5 महीने की छुट्टी हो जाएगी तो आप लोगों का सेशन ठीक से निपट जाए, इसलिए ये बात भी हुई, अधिकारियों से बात हुई हमारी। तो उन्होंने कहा कि इनकी अपनी तो सबकी लाइफ का सवाल है, अगर बुलाने के लिए तो हम बुला लेंगे भारत में, लेकिन बाद में इनकी एग्ज़ाम नहीं होगी तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही है ये बात? मेरी जानकारी यही है। ऑनलाइन हो जाएगी, वहीं से कर लोगे आप? वहीं से करोगे जो बेहतर हो सकता है सब करेंगे और आप लोग सेफ हो, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अंदर हो ना आप कमरों में, हॉस्टल में सुरक्षा है ना? वहाँ यहाँ सुरक्षा है ना, वहाँ पता है ना वहाँ पे? जी सर। ठीक है ठीक। जी सर, और कोई बात और बता रहे हैं लगातार लाइन पे? ये वो उज्जैन वाला लड़का लड़का है ना, उज्जैन वाला भी है, एक महेंद्र है, रवि सराठे भी है सर मेरे साथ ही है। बात करा, बात रवि से बात करा था। क्या रवि, क्या हाल चाल है? नमस्कार। अच्छे हैं सर, वो बस वही है कि अभी चिंता बहुत हो रही है। नहीं चिंता मत करो यार, था मजबूत लोग उज्जैन वाले पट्टे हो तो भगवान की माता की कृपा है। हाँ सर, हम लगातार चिंता कर रहे हैं, चारों तरफ तुम्हारी पुलिस वुलिस भी लगी हुई है और उनने कहा कि ये जैसे यूक्रेन रूस युद्ध हुआ था ना, वो अलग स्थिति थी, ये स्थिति अलग टाइप की है। लोकल झगड़े होते हैं ना कहीं पे भी, तो झगड़े में पाकिस्तान के लोगों से झगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने पूरी चिंता की आप लोगों की परीक्षा के लेकर के और बाकी सब बातों को लेकर बात कर रहे हैं। और ऑनलाइन के एग्ज़ाम के अगर आप लोग कह रहे हो तो वो भारत में हो सकती हो तो वो अपन देखेंगे, लेकिन अगर वो वहीं से भी अगर आपको एग्ज़ाम दे के आ जाए तो फिर 2.5 महीने की छुट्टी तो पड़ेगी सही आप लोगों की। बिल्कुल सर, है ना? अभी हॉस्टल में तो कोई अंदर दिक्कत है ही नहीं आपको, अंदर जब आराम से ही हो आप एग्जाम का भी। हाँ सर, हॉस्टल में है ना, इसकी चिंता कर रहे हैं। और कोई बात हो तो बता, हम फोन पर तो नहीं लगा था आपसे। ठीक है सर, वो महेंद्र का महेंद्र सर, महेंद्र नहीं सर, विवेक है, विवेक साथ में ही है मुझे वाली सर। जय श्री कृष्ण, क्या हाल चाल है? जी अभी तो घर वालों को क्या है कि अरे थोड़ी आप लोग भी हिम्मत दिला यार, कृष्ण बलराम वाले कमजोर थोड़ी हो, घर में मारे आएंगे तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, जो जो होगा सब देखेंगे अपन, देखेंगे आराम से एग्जाम दो
अपना पहला टारगेट ये भी और आपकी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी चिंता कर रहे हैं ना। भारत सरकार से माध्यम से बात हो रही है, आपकी सरकार से बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय महाकाल। मेरी जानकारी में लाया गया कि किर्गिस्तान में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं वहाँ पाकिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों से कुछ झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान के बच्चे घायल हुए हैं। इस आधार पर भारत के बच्चों को भी चिंता हुई। मैंने अपनी तरफ से अभी वहाँ के बच्चों से भी बात की है, उज्जैन, मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच, अन्य स्थानों के बच्चों से मेरी बात हुई है और वो एक तरह से सेफ भी हैं, सुरक्षित भी हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क करते हुए हम लोग किर्गिस्तान की सरकार से भी संपर्क में हैं, उनको वहाँ सुरक्षा प्रॉपर मिली हुई है। लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारे 1,200 ज़्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के भी हैं और सब सुरक्षित हैं। खास करके ऐसे माहौल में जब कोई स्थानीय झगड़ा होता है तो थोड़ा तनाव होता है, लेकिन सब बच्चों की सुरक्षा प्रॉपर मिली है, सब हॉस्टल में है, पुलिस का पूरा इंतजाम है और हम सब जानते हैं कि परीक्षा के इस मामले में हम जितनी चिंता करते हैं उससे जानमाल की चिंता भी करते हैं। इसलिए लगातार संपर्क में रहने के बाद ये निर्णय किया, ध्यान में आया कि बच्चों की परीक्षा करा कर ही वहाँ से बुलवाया जाए, अन्यथा इनका पूरा साल का लॉस होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसे हमारे बदले हालात में हिम्मत से भी काम लेना पड़ता है और बच्चों की ज़िंदगी का भी सवाल है, इसलिए हमने वहाँ के प्रशासन से बात की कि हर हालत में इनकी परीक्षा सही समय पर सही तरीके से करा दी जाए और सुरक्षा की भी पूरी चिंता की जाए। सरकार भी 24 घंटे संपर्क में, किसी को कोई कष्ट नहीं है, ये हमने देखा, ना किसी बच्चे को कोई चोट लगी है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी हालात और सामान्य होंगे। मेरी अपनी ओर से बच्चों के सभी अभिभावकों को, मध्य प्रदेश की जनता को और भारत सरकार के साथ संपर्क में रहने कारण से ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हालात सामान्य हैं, बनाने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं और बहुत जल्दी सब नॉर्मल होगा। नमस्कार। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।